यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. अब हमने एक एक मेथड पढ़ा हुआ है. वन सिंगल सिंगल मेथड इज यूज टू सेपरेट टू डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल फ्रॉम ईच अदर. ओके, बट सपोज अगर मेरे पास दो से ज़्यादा टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं तो हो सकता है कि एक सिंगल मेथड से उसको यूज करके हम टू सब्सटेंसेस और थ्री सब्सटेंसेस और मोर सब्सटेंसेस को हम अलग नहीं कर सकते बाय यूजिंग द सिंगल मेथड. तो हमें हो सकता है कि हमें एक से ज़्यादा मेथड भी लगाना पड़े उसको सेपरेट करने के लिए दो सब्सटेंसेस को या उससे भी ज़्यादा सब्सटेंसेस को. तो इसलिए यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड कैन बी देयर अगर हमने किसी भी टू या टू से ज़्यादा हमने मटेरियल्स को सेपरेट करना है तो हमें एक से ज़्यादा मेथड भी अप्लाई करने पड़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल बाय वी विल शो दिस बाय एन एक्टिविटी. इसमें सबसे पहले मैंने इस एक्टिविटी में तीन पार्ट्स लेने हैं और तीनों को मैंने अलग अलग करना है. नंबर वन आई विल टेक सॉल्ट, नंबर टू आई विल टेक सॉइल पार्टिकल्स नॉर्मली सॉइल और थर्ड इज वाटर. पहले सॉल्ट एंड सॉइल को हम मिक्स कर लेंगे देन उसमें हम वाटर ऐड कर देंगे. ओके, सॉल्ट वाटर एंड सॉइल. अब ये तीन पार्टिकल्स हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेने हैं, उसके बाद हम डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन अप्लाई करेंगे और इन तीनों पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे. ओके, सो सबसे पहले यू कैन सी दिस. ओके, यू कैन सी दिस. इस ग्लास में मेरे पास सॉइल है, सॉल्ट है और वाटर है. मैंने तीनों को मिला दिया था और मैंने इसको फ्यू आवर्स के लिए ऐसे ही एज सच मैंने इसको होल्ड पे रख दिया. ओके, जब मैंने मॉर्निंग में देखा तो ये कुछ ऐसा बना हुआ था. ओके, यू कैन सी अ वेरी डार्क लेयर हेयर. दिस लेयर इज ऑफ सॉइल. ये सॉइल की लेयर है. आपको पता है बाय विच प्रोसेस? सेडिमेंटेशन. एंड सेडिमेंटेशन की हेल्प से व्हाट हैपेंस कि सॉइल के पार्टिकल्स आर हैवी देन वाटर. दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम. और ऊपर क्या है हमारे पास? वाटर प्लस सॉल्ट. बिकॉज मैंने तीन पार्ट लिए थे, सॉल्ट सॉइल वाटर. सॉइल तो आपको यहाँ पे शो हो रही है नीचे की तरफ बॉटम पे. एंड इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ड्यू टू द प्रोसेस नेम्ड एज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन होने की वजह से सॉइल नीचे बैठ गई. ऊपर जो लिक्विड है मेरे पास, ये लिक्विड में अब वाटर भी है और सॉल्ट भी है. ओके, वाटर एंड सॉल्ट. एक्सक्यूज मी मैम. बिकॉज आई नो जो सॉल्ट होगा वो वाटर में इजीली वो डिसॉल्व हो जाएगा. सॉल्ट इज इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो ये सॉल्ट है जो वो वाटर में डिसॉल्व्ड फॉर्म में है. ओके, सो दिस इज वाटर प्लस सॉल्ट एंड दिस इज सॉइल. तो अगर मुझे एक पार्ट चाहिए, मुझे मतलब तीन पार्ट हैं इसमें, अगर मैं इस पानी को विदाउट डिस्टर्बिंग द बॉटम पार्ट इसको मैं एक और बीकर में शिफ्ट करूँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन. डिकेंटेशन क्या होता है कि सेडिमेंट को छोड़ के अगर हम लिक्विड को किसी दूसरे पार्ट में, दूसरे कंटेनर में इसको शिफ्ट कर लें, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन. सो आई हैव नाउ दिस टू ग्लासेस. एक ग्लास में ओनली सॉइल इज देयर. ओके, तो तीन पार्ट थे, तीन में से मैंने एक पार्ट तो सेपरेट आउट कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. सो एक हमें सेपरेशन का प्रोसेस लगा, सेडिमेंटेशन. यू कैन सी दिस, दिस इज सॉइल. ये हमने सेपरेट कर लिया. उसके बाद अब ये जो सेकंड जो डिकेंटेड लिक्विड है वी हैव, जो हमारे पास डिकेंटेड लिक्विड है. ओके, सो दिस इज द लिक्विड वी गेट आफ्टर डिकेंटेशन. सो ये लिक्विड हमें मिला. इस लिक्विड में वाटर प्लस सॉल्ट दोनों पार्ट्स इसमें प्रेजेंट हैं. अब इसको अलग करने के लिए व्हाट विल वी डू, जो हमने लास्ट टाइम प्रोसेस किया था, सॉल्ट एंड वाटर को अलग करने का प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. और इसके लिए मैंने आपको रमनीत चंदेल की एक वीडियो भी आपको ग्रुप में शेयर की थी. शिप्रा ने भी मुझे इसकी वीडियो सेंड की है. तो शिप्रा, आप जैसे आपने पहले परफॉर्म किया था एक्टिविटी, उसी वे से आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो बाय टेकिंग दिस सॉल्यूशन आल्सो. इसको क्या करना है, आपने आपने फ्यू आवर्स के लिए रख देना है. जब सैंड नीचे बैठ जाएगी तो आपने उसको डिकेंट ऑफ कर लेना है. आफ्टर डिकेंटेशन आपके पास ऐसा लिक्विड आएगा. आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल, ये क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो पहले वाली क्लास थी उसमें कराया था, अदरवाइज
अगर आप और टाइम के लिए रखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर लिक्विड मिलेगा. दिस इज समवट ब्राउन इन कलर, बट इफ यू प्लेस द मिक्सचर फॉर सम मोर टाइम तो आपको इससे भी ज्यादा क्लियर लिक्विड मिलेगा. लाइक वाटर, जैसे नॉर्मली वाटर होता है क्लियर, वैसे ही आपको एक क्लियर लिक्विड मिलेगा. देन उस क्लियर लिक्विड को बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन आप उसको क्या करोगे, एक कंटेनर में डालोगे, उसको आप हीट करना शुरू करोगे, देन वाटर क्या होगा, वाटर इवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा. अब जो इवेपोरेशन से क्या हुआ, इवेपोरेशन से तो जो वाटर था वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, बट हमें तो वाटर भी चाहिए वापस, वो तो वेपर्स में चेंज हो गया. अब उन वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वेपर्स टू वाटर इज कंडेंसेशन, वाटर टू वेपर्स इज इवेपोरेशन. एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है. तो कंडेंसेशन करने के लिए आप एक चीज इसमें ऐड करोगे, जब आप लिक्विड को हीट करोगे, जब आप इस वाटर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट करोगे, जब ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, आप उसके ऊपर एक लिड रख लोगे. ठीक है, जब आपने आप हीट कर रहे होंगे इस लिक्विड को, देन उसके ऊपर आप एक प्लेट रखोगे. लिड रखने से क्या होगा, जो वेपर्स ऊपर की तरफ उठेंगे वो प्लेट पे आके कूल डाउन हो जाएंगे. तो कूल डाउन होने से व्हाट विल हैपन, कूल डाउन होने से वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी. और आपको पता होगा, आपको प्लेट पे कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी. ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी आप मिल्क को बॉयल करते हो, अगर आप उसके ऊपर प्लेट रख दो या उसके ऊपर कुछ लिड रख दो, देन आपको उस लिड पे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑब्टेन होते हैं. सिमिलरली इस प्रोसेस में भी आपने ऐसे ही करना है. तो आपको क्या होगा, नीचे बॉटम पे सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ऊपर लिड पे वाटर आ जाएगा, और थर्ड जो आपने ये तो पहले ही अलग कर दिया, तो आपने तीनों पार्ट्स मिलाए थे. तीनों पार्ट्स मिलाने के बाद आपको दोबारा से उस मेथड ऑफ सेपरेशन लगाते से तीनों पार्ट दोबारा से सेपरेट मिल गए, सॉइल सॉल्ट ऑफ बीकर आफ्टर इवेपोरेशन एंड ड्यू टू कंडेंसेशन वाटर वेप, जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होंगी दैट विल बी प्रेजेंट ऑन लिड ऑल्सो. सो इसमें कौन कौन से प्रोसेस यूज हुए हैं, मोर देन वन मेथड हैज बीन यूज टू सेपरेट दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. सबसे पहले यूज हुआ सेडिमेंटेशन डीकेंटेशन सॉइल को अलग करने के लिए, उसके बाद इवेपोरेशन जब हीट हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन वाटर को ऑब्टेन करने के लिए. तो इसमें बेसिकली तीन प्रोसेसेस यूज हुए हैं मेरे पास. Three method of separation has been used. Number one, sedimentation decantation. Number two, evaporation. Number three, condensation. So in teen methods ko use karke humne teen parts ko alag kar liya. So this was the whole activity. Okay. Now next is saturation, saturated solution. Ab ek nayi term aayi hai hamare paas. Saturated solution. Now what happens? Saturated solution is कि आप generally बोलते हो कि salt और sugar और baking soda या baking powder, ये ऐसी जो भी substances होते हैं, they are generally dissolved in water completely. It is completely soluble in water. जो हमारे पास salt है या sugar है, आप पानी में मिलाओ तो वो easily घुल जाएगा और आपको दोबारा से transparent liquid मिल जाएगा जैसे पानी पहले था. तो आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि सॉल्ट इज कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर. साइंटिस्ट सेज कि सॉल्ट भी एक लिमिट तक की, एक एक्सटेंड तक की वो उसमें सॉल्युबल हो सकता है. आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम अमाउंट वो सॉल्ट, जो वाटर है वो सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करना बंद कर देगा. जब ऐसा हुआ, जिस पॉइंट पे वाटर ने सॉल्ट डिसॉल्व करना बंद कर दिया, उस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेटेड पॉइंट. दिस प्रोसेस इज नोन एज सैचुरेशन. एंड जो वाटर हमारे पास होगा दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड लिक्विड. होगा क्या, सबसे पहले आई विल टेक अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर. वाटर की अमाउंट को फिक्स नहीं फिक्स करना है, इसको इंक्रीज नहीं करना अपनी मर्जी से. सपोज मैंने इतना पानी लिया और आई हैव टेकन दिस मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट. नाउ आई एम गोइंग टू एड one spoon at one time of salt. Like this. I am pouring this salt. I'm going to mix it up.
अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल, ताकि जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए वाटर में। Salt has been completely dissolved. Now I'm going to add some more amount of salt. Again, it is dissolved completely. Yes. Now I'm going to add some more amount of salt. I wonder, see at the bottom, salt यहाँ पे नीचे है, इसको मैं मिलाऊंगी, I will see कि एक अच्छी तरह से खुलता है कि नहीं खुलता। See at the bottom, you can see the white particles, salt के particles नीचे बैठ गए हैं, they are not getting dissolved, आप side पे भी देख सकते हो, like this, see this, ये salt के particles हैं। सॉल्ट जो थर्ड स्पून डाला मैंने उसके बाद ये मिक्स होना बंद हो गया। दिस इज द पॉइंट नेम्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। अब क्या हुआ, लिक्विड ने अपने अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करना ही बंद कर दिया। जो अगर आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड लोगे उसमें आप अगर आप वन बाय वन करके शुगर वाटर या बेकिंग पाउडर ऐसी चीजें जो आपके अकॉर्डिंग कम्प्लीटली डिजोल्व होती हैं वाटर में, देन उसको लिया मैंने वन बाय वन ऐड किया, एक स्पून डालने पे कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया, टू स्पून डालने पे कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया, बट जैसे ही मैंने थर्ड स्पून डाला देन व्हाट हैपेंस, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए, दे आर नॉट गेटिंग डिसॉल्विंग मोर। ओके, ये डिसॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि वाटर ने सॉल्ट को डिसॉल्व करना बंद कर दिया। ओके, सो दिस इज अ लिक्विड नेम एज सैचुरेटेड लिक्विड। सो अ सॉल्यूशन इज सेट टू बी सैचुरेटेड, listen this carefully, a solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. Ek solution ko saturated kab bolenge, jab wo substance ko apne mein aur add nahi kar sakta aur mix nahi kar sakta. This is the point is no this point, this liquid is known as saturated liquid. Now this water is saturated. अब इसमें आप जितना मर्जी आप salt add करो, salt अब इसमें नहीं मिलेगा। Generally we say कि salt is mixed in water completely, but fixed amount salt की जो amount होती है वो completely dissolve नहीं होती, एक saturation point आता है। If I take this much liquid, if I take full glass of water, then I can add more amount of salt. तो जो हमारा saturation point है वो थोड़ी देर बाद आता, सपोज सिक्स स्पून के बाद या सेवन स्पून के बाद आता। अगर मैं एक टब लेती पानी का, उसमें बहुत सारा नमक आप डाल सकते हो, सैचुरेशन पॉइंट आफ्टर वी कैन से आफ्टर 100 स्पून के बाद आया या 200 स्पून के बाद आया। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हो। अगर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लोगे तो आपके पास जो सैचुरेशन जो लिक्विड सैचुरेट होगा वो थोड़ी देर बाद होगा, वो ज़्यादा अपने में सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा लिक्विड लोगे तो वो थोड़े स्पून को ही डिसॉल्व कर सकता है। दिस स्टेप दिस प्रोसेस इज नोन एज सैचुरेशन। ओके, सो दिस वॉज द एक्टिविटी, दिस वॉज द लास्ट एक्टिविटी। अब क्वेश्चन इज, क्या कोई ऐसा वे है कि हम इस लिक्विड के सैचुरेशन होने के बाद भी सॉल्ट या शुगर को पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या कुछ ऐसा है जिसमें हम व्हाट कैन वी डू इस सैचुरेटेड लिक्विड को दोबारा से अनसैचुरेटेड, मतलब दोबारा से इसको अच्छे से मिला सकते हैं? यस, दिस इज पॉसिबल। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं लिक्विड इसमें ज़्यादा फिल कर लूँ, ओके, अब अगर मैं इसमें ज़्यादा लिक्विड फिल कर लूँ देन जो सॉल्ट होगा वो कम्प्लीटली डिजॉल्व दोबारा से होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इसकी अमाउंट इंक्रीज हो गई वाटर की, तो जो सैचुरेशन पॉइंट है वो भी बाद में आएगा। तो ये नमक इसमें ईजिली घुल सकता है अगर मैं इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ले लूँ। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस। नाउ सेकेंड वे इज़,
कि अगर मैं इस पानी को बॉयल करना शुरू कर दूं साथ में, ओके, अगर मैं इसको हीट करना शुरू कर दूं, गर्म करना शुरू कर दूं इस वाटर को, तब भी ये जो सॉल्ट है हमारा इसी अमाउंट में, अब मैंने अमाउंट इसकी इंक्रीज नहीं करनी, इसी अमाउंट में, इसी अमाउंट ऑफ वाटर को ऐसे ही नमक इसमें मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, जब भी मैं इसको हीट करना शुरू कर दूंगी देन सॉल्ट अपने आप मिक्स होता जाएगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. यू ऑल नो जो वाटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में एक गैप होता है जिसको आप बोलते हो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस. दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वी कैन से. अगर आप हीट करना शुरू कर दोगे तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है दैट विल गेट इंक्रीज. अब जैसे जैसे की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो, सॉरी, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो उसमें और एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे. तो सॉल्ट जब इसमें कम्प्लीटली एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा तो सॉल्ट इवेंचुअली विल गेट डिसॉल्व्ड इन दैट वाटर. सो वाटर सैचुरेशन के बाद भी आप लिक्विड, आप सॉल्ट को इसमें डिसॉल्व कर सकते हो बाय टू प्रोसेसेस. अगर आप ज़्यादा इसमें लिक्विड और फिल कर लो, वाटर को और फिल कर लो, सेकेंडली आप उसको हीट करना शुरू करो, ओके. सो दीज वर दी टू प्रोसेसेस बाय विच हम सैचुरेशन के बाद भी नमक को, सॉल्ट को, शुगर को, किसी भी ऐसे चीज को जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, ओके. नाउ द लास्ट एक्टिविटी इज फॉर ऑल ऑफ यू, ये आप मुझे परफॉर्म करके बताओगे, ओके. नाउ देयर इज एक्टिविटी फॉर यू, आपने क्या करना है, आपने टू ग्लासेस लेने हैं, ध्यान से सुनना, दिस इज फॉर यू, आपने मुझे इसकी वीडियो भी बना के भेजनी है. टू ग्लासेस लेने हैं, इसमें आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, ओके. यू विल टेक टू ग्लासेस हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है. आपने एक बॉल में शुगर लेनी है और दूसरे बॉल में आपने सॉल्ट लेना है, ओके. देन व्हाट विल यू डू, आप वन वन स्पून ऐड करते जाओगे शुगर में एंड सॉल्ट में. एक एक ग्लास में आप वन स्पून, एक आप स्पून होना चाहिए वो सेम साइज का होना चाहिए, मतलब जो स्पून्स हैं, मतलब जो शुगर एंड सॉल्ट की क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए. तो आप अगर एक स्पून एक बीकर में शुगर का डालोगे तो दूसरे बीकर में यू विल ऐड सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, उसको मिलाओगे एंड आप देखोगे कि एक चम्मच डालने पर तो वो ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि शुगर भी कम्प्लीटली डिजॉल्व होती है वाटर में एंड सॉल्ट भी कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है वाटर में. नाउ फिर जब ये अच्छे से मिल जाएगा देन यू विल टेक अनदर स्पून ऑफ शुगर, पुट इट इन ग्लास ए एंड सॉल्ट इन ग्लास बी. आपने उसमें ऐड कर दिया, फिर आपने उसको अच्छे से मिलाया, देन अगेन आपने फिर ये प्रोसेस आप दोहराते रहोगे जब तक आपको एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पे वाटर, शुगर या सॉल्ट को कम्प्लीटली डिजॉल्व करना बंद कर देती है. मतलब आपने दोनों का सैचुरेशन पॉइंट निकालना है, ओके, शुगर का एंड सॉल्ट का. और आपने मुझे ये बताना है कि सॉल्ट को सैचुरेशन में आने के लिए कितने स्पून सॉल्ट लगे और शुगर के सैचुरेशन पॉइंट आने में हमें कितने स्पून ऑफ शुगर लगे. हो सकता है कि 3 स्पून ऑफ शुगर के बाद वो सैचुरेट हो जाए, हो सकता है कि 5 स्पून ऑफ सॉल्ट के बाद वो सैचुरेट हो. तो इसका मतलब ये है कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, अगर आपने पानी सेम अमाउंट में लिया है उसके बाद भी जो उसके जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो सैचुरेशन है वो डिफरेंट आएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर और सॉल्ट का सैचुरेशन सेम आएगा, इट विल बी डिफरेंट. शुगर में आपको कम स्पूंस भी लग सकते हैं उसको सैचुरेट कराने में और सॉल्ट में ज़्यादा स्पूंस लगेंगे. तो दिस इज़ योर एक्टिविटी, आपने ये कैसे परफॉर्म करनी है यू हैव टू सी. मैंने आपको आइडिया बता दिया है कैसे परफॉर्म करनी है, आपने एक अच्छी सी वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. सो दिस वॉज योर होल चैप्टर. नाउ इसके सो